Assalamualaikum viewers, I am your host Umar Waqas Khan and you're watching my channel UK Explorer. I hope so you are fine and fit and today I visit Abu Dhabi Ghantout Polo Club and Racing Stadium and aaj jo hum visit karne ja rahe the maine pehle aapko bata diya tha Ghantout पोलो क्लब एंड रेसिंग स्टेडियम यहाँ पर अभी मैचेस होने वाले हैं. जिस तरह आपको पता होगा पाकिस्तान में होते हैं मैचेस इसके नेज़ाबाजी के, तो उसी तरह के यहाँ पर भी मैचेस होने वाले हैं. और यहाँ पर एक टेस्ला एक्स मॉडल की ओपनिंग भी होने वाली है. ये न्यू मॉडल आया एक्स है और इसकी भी ओपनिंग होगी. आगे आपको इसके फर्दर इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ जो मीन्स कि आपके लिए ज़रूरी है. यह है टेस्ला एक्स और इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है और इसकी सिक्स सीटर गाड़ी है. जैसे कि आप देख सकते हैं टू सीट्स आगे हैं, टू फिर मिड में और टू बिल्कुल बैक पे हैं. तो जो बैक बेंचेस होंगे वो पीछे ही बैठते हैं. इसका इंटीरियर और एलईडी है मुकम्मल. जो इसका मीटर है वो भी एलईडी है. इसके बाद वो सामने आप जहाँ पर मैप शैप वगैरह सभी आपको अवेलेबल होगा. सिक्स सीटर गाड़ी है. इसके डोर्स ऑटो हैं, ऑटोमेटिक मीन्स के आप के एक बटन एक टच पे ये खुलेंगे और ऊपर ही खुलेंगे. एंड ये कोई और मॉडल है, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे गाड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है. तो आपने गेस करना है ये कौन सी और कमेंट्स में बताना है लाजमी. जी इवेंट तो अभी लेट है तकरीबन एट नाइट फ्लड लाइट्स में, लेकिन हमें सनसेट से पहले जाना होगा क्योंकि हमें फर्दर आगे भी कुछ हमारा काम है.
तो उसको हमने फिनिश करना है क्योंकि वो ऑफिस वर्क है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए जाना है। लेकिन आज दिन काफ़ी सनी था और मौसम बहुत ज़बरदस्त था, इसीलिए आप हमें लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आने वाली तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आप तक तमाम अपडेट्स सबसे पहले पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों को हमारा व्लॉग, हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें जो कि इन फ्यूचर दुबई में आना चाहता है या अबू धाबी में आना चाहता है, शारजा यूएई में, अमीरात्स में, जहाँ भी आना चाहता है, तो हमारा उससे कोई ना कोई किसी तरह हमारी हेल्प हो सकती है एज अ विज़िटर, वैसे नहीं एज अ विज़िटर, क्योंकि हमारे व्लॉग्स देख के उसे पता चल सकता है कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिनको हम विज़िट कर सकते हैं और करने के लायक हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। इसके बाद यही सिंपल ही था कि यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में घोड़ों के साथ नेहराबाजी होती है, घोड़ सवारी होती है, यहाँ पर भी पोलो क्लब हैं वैसे ही सेम। और अभी तो यहाँ पर फुटबॉल चली, बच्चे ही खेल रहे हैं, बस खाली ये ग्राउंड है, साथ वाले बच्चे आगे खेल लेते हैं। और साथ में यहाँ पर रेसिंग स्टेडियम में, रेसिंग का मीन्स ये है कि यहाँ पर उनकी ही हॉर्सेस की रेसिंग होती हैं और उनका ही पोलो क्लब, मीन्स उनकी नेज़ाबाजी होती है। और वर्ल्ड वाइड है, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनली इवेंट्स होते हैं। अभी आपको ले कर चलते हैं ये स्टॉल्स की तरफ, ये स्टॉल्स हैं मुख्तलिफ बच्चों के लिए, इन्होंने प्ले एरियाज़ बनाए हैं, उसके साथ ये खेलने के लिए जगह बनाई है, उसके बाद कैफेटेरिया बनाए हुए हैं, कैफ़े की तरह। और यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के जूसेस, कॉफ़ीज, स्नैक्स मिलते हैं, सकते हैं जब आप आएंगे। तो बनते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक आप इन व्यूज़ को एंजॉय करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इस वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक शानदार वीडियो के साथ जो कि आपको भी मज़ा देगी और हमें भी इंशाल्लाह। व्यूज़ में जब आप व्यू करेंगे तो हमें भी इंशाल्लाह उसमें मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। The exhibition football match by the Future Champions Academy just about to start. You can see the two teams making their way out onto the field. A lovely little five-a-side field has been made up there, but it looks like there's more than five-a-side here. We've got a full complement of 11 players per team. There's more. We're going to be using substitutes for those two teams there. We'll work it out as we go through. Great to see the kids back. They were here last year and played really well. Football.